मेरी तबीयत खराब हो गई है। गाइस, अगले 24 घंटे मैं बिताने वाली हूँ बर्फ में, जिसके लिए मैं आई दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर हिमाचल के एक गांव सेथन में। गाइस, जितना हमने अनुमान लगाया था मेरी उम्मीदों से ज्यादा यहाँ पे बर्फ गिरी हुई है, मतलब इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। और मुझे नहीं लग रहा था कि किसी लोकल बंदे की गाइडेंस के बिना यहाँ हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए विनोद भैया है। ये है विनोद भैया जो यहाँ पे गेस्ट हाउस चलाते हैं और आज मुझे गाइड करने वाले हैं। देखो अभी -10 डिग्री में होगा, रात में -10-12 जाएगा। देखो कुछ पानी के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। गाइस, भैया ने हमको अभी ये बताया कि फोरकास्ट में आया कि आज रात को यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, और वो जो बर्फ वाला तूफान आता है वो भी आ सकता है, क्योंकि 2-3 दिन का मौसम जो है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। अब देखना ये है कि ऐसे में क्या मैं ये चैलेंज पूरा कर पाऊंगी या नहीं। और गाइस, मैं ये चैलेंज अकेले बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, मेरे साथ रहना पड़ेगा मेरे इन चार दोस्तों को। तो चलो इनसे पूछते कि इनको कैसा लग रहा है। हाँ भाई, मैं कैसा लग रहा है? तूने तो बोला था कि तुम सब रूम में रुकना और मैं ये कैंप में अकेले चैलेंज करूंगी। रूम चाहिए? हाँ। अगर इतनी दिक्कत हो रही है ना इसको, तो तू भी अपनी मीमो में ना मेरा फोटो लगा लियो, मैं भी नहीं आऊंगी तेरे मीमो में रिएक्ट करवाने। सच तो बोलता हूँ ना भाई, तो झूठ बोल के क्यों लाई है मैं? तू आ जाता सच बोलती तो। चीटिंग करता है तू। कैसा लग रहा है? अरे कहाँ कैसा लग रहा है, इतना ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। तुमने कहा पैसा नहीं लगेगा, फ्री के चक्कर में मैं यहाँ पे आ गया। व्यू देख, व्यू। हाँ, व्यू एक बार ही देख के मन भर गया है, अब नहीं देखना है, अब घर ले चलो यार, नहीं करना है मुझे चैलेंज। कोई बात नहीं गाइस, हम आयुष से पूछते हैं कैसा लग रहा है। हाँ भाई आयुष। हाँ। कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है, काम के बहाने कहीं भी ले जाती हो? मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं जॉब ये इसके बाद रिजाइन कर रहा हूँ। अरे भाई हर्ष भैया, कैसा लग रहा है? भाई बहुत धोखा हुआ मेरे साथ। क्या धोखा हुआ? ये बोल के लाया गया था कि हिमाचल जा रहे हैं और बर्फ देखेंगे, बट बर्फ खाएंगे, बर्फ पिएंगे, बर्फ ओढ़ेंगे, बर्फ में सोएंगे, ये तो बताना चाहिए था ना। आप देख सकते हो कि ये चारों मेरे साथ चैलेंज में भाग लेने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और गाइस, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे अपनी कैंपिंग की, जो कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार करने वाली थी, और विनोद भी मुझे गाइड कर रहे थे कि कैंप कैसे लगाए जाते हैं। तो भैया कैंप हमने अपने लगा लिए, तो अब हम रह सकते हैं इसमें? अब रह सकते हैं, आपको थोड़ा ड्रेस देंगे हम, स्नो ड्रेस, ठीक है? बर्फ में रहने के लिए अलग कपड़े होते हैं? अलग कपड़े मिलेंगे आपको। तो गाइस भैया हमको बता रहे हैं कि हम लोग अपने नॉर्मल कपड़ों में नहीं रह सकते, क्योंकि स्नो की वजह से सब गीला हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने कपड़े चेंज करेंगे, ठीक है? चलो गाइस, हम तो दोनों सगे भैया यहाँ आ गए, हमारे माँ बाप का तो कोई बच्चा भी नहीं, बस यही खत्म हो गया सब। हैंड ओवर मैं ले लूंगा। और भी एक ब्लू है क्या? अरे यार पागल हो गए कि हम लाइन में खड़े हैं, घंटे से पसंद करे जा रही हैं यार, पसंद के कपड़े पहनने हैं, ठंड के कपड़े पहनने हैं। अरे भाई तो मेरा पूरा दिन जाएगा उस कपड़े में, तो कलर ना पसंद कर। भैया यहाँ कोई चॉइस करता क्या कपड़े के कलर की? इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा। हमें जो दोगे यार पहन लेंगे हम यार। आप मेरे को बताओ ब्लू, फिर बाद में लेना, हमें पहन लेते चल यार, ठंड से मरे जा रहे हैं। ब्लू और दो लाल दो। तो गाइस हम सब रेडी हो गए हैं और हम सबको ये अपनी अपनी ड्रेस कैसी लग रही है तुम लोगों को? ये फीमेल है। फीमेल थोड़ी है, फीमेल ड्रेस है, बताया भैया ने कि तुम्हारे साइज की अवेलेबल नहीं है। देखो अब यार इतनी ऐसी जगह पे आया, थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं, आज के लिए तू मेरी पिंकी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस जगह पे बर्फ में ठंड में मरते हुए समय कैसे काटे अपना। देखो मैं तुमसे करवाऊंगी 3 टास्क, और हर टास्क में तुम्हें कमाने का मौका मिलेगा पूरे 10,000 रूपए, यानी कि टोटल जो भी जीतेगा वो कमा सकता है पूरे 30,000 रूपए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम ये वाला टास्क कर रहे हैं, रुकने वाला उसके लिए कितना मिलेगा? इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हें 30,000 कमाने हैं तो मेरे टास्क करने पड़ेंगे, मैं बताऊंगी एक एक करके। तुम्हारा पहला टास्क ये, तुम चारों को बनाना एक एक स्नोमैन। अच्छा। और जिसका स्नोमैन सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा लगेगा मेरे को, उसको जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रूपए। अरे तुम्हारे पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, कम से कम 300 साल। अरे भाई चले जाओ यार, स्टार्ट हो गया टाइम। हाथ हो जाते तो पील बना रहा हूँ। बनाते कैसे? देख रहे हो इसके जीतने का आसार बिल्कुल नहीं है। अरे ये कौन सा स्नोमैन बन रहा है भाई? मैं खुद स्नोमैन बन लू। पैसे तो इन्हें जीतने, पर इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। टाइम अप है गाइस, रुक जाओ, कोई अब कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले है, ये है आयुष, आरुष भैया का, गोलू भैया का स्नोमैन। जो छोई गिर गया यार। आप है धीरज के स्नोमैन का नंबर। इसका ये मुस्कुरा भी रहा है।
ये स्नोमैन से ज्यादा तोता लग रहा है। तो गाइस ये है आयुष का स्नोमैन, एक नीचे बड़ा गोला है, उसके ऊपर एक छोटा गोला और एक उससे ऊपर सबसे छोटा गोला। तो ये तो छोटे बड़े गोले है स्नोमैन का है। जब इसको पता चला कि इसका स्नोमैन बढ़िया नहीं बन पा रहा है, फीलिंग नहीं है, तो इसने चापलूसी करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर है उसके लिए दिल बनाया है। दिल का इस कंपटीशन से क्या लेना देना है? हम बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे, स्नोमैन का कंपटीशन है, सिर्फ स्नोमैन ही कंसीडर किया जाएगा। ये रहा मेरा स्नोमैन। अरे भाई साहब, बाकी इसके पैर भी प्रॉपर ही देखो ना, पैर है ये अलग अलग। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा दुविधा में आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि हम अब ऐसे किसी बंदे को बुलाएंगे जिसको टास्क और इस सब चीजों के बारे में कुछ भी ना पता, और वो जिसके स्नोमैन को सबसे अच्छा बताएगा वो विनर माना जाएगा। और उसको ये भी नहीं बताएंगे कि स्नोमैन कौन सा किसने बनाया, तो क्लियर विनर पता चल जाएगा ना। ठीक है ओके, बुलाओ किसी को। आगे चार स्नोमैन बने हुए हैं, ठीक है, आपको चारों स्नोमैन को देखना है बारीकी नजर से अपनी, ठीक है, ठीक है, और ये बताना है, ये फैसला लेना है कि किसका स्नोमैन सबसे ज्यादा खूबसूरत है और आपको सबसे अच्छा किसका स्नोमैन लगा। ये है हमारा सबसे पहला स्नोमैन। ओके ठीक है जी। ये है स्नोमैन नंबर दो। इसको ठंड लग रही है, इसकी मुंडी ज्यादा गोला है। ये है हमारा थर्ड वाला। अच्छा ये है भी। स्नोमैन नंबर फोर। ये हो गया जी फैसला, हो गया फैसला, हो गया फैसला। वी कैन सी क्लियर विनर इज दिस। ओके गाइस, इस गेम का विजेता है मयंक कौशिक और ये जीता है 10,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया हो गया काम। आप लोगों को भी बताना है आपकी नजर में चारों में से किसका स्नोमैन सबसे अच्छा था, कम डेर के बताओ। बढ़ते नेक्स्ट टास्क पे, बहुत ठंड है। तो गाइस तुम लोगों का नेक्स्ट टास्क पता क्या है? तो हम चारों को करनी है स्नोबॉल फाइट, ठीक है, और उसमें जो लास्ट तक टिका रहेगा, अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, वो जीत जाएगा, ठीक है। जो एंड तक टिका रहेगा, लड़ता रहेगा। हाँ, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो एंड तक खड़ा रहेगा जीत जाएगा। ये टाइम स्टार्ट तक होली आंखें बंद पीता होली होली सांस ले और छू। ये गोली भैया का देखो, ए गोली भैया को पकड़ो मारो। आउट हो गया गाइस, मैं गेम से बाहर हो चुका है। हाँ जाम हो गया भाई, अब बस भी नहीं है। ये दो खिलाड़ी गाइस देर हो चुके हैं, अब बस मैदान में दो खिलाड़ी आयुष और कोमारी। क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा, कमेंट करो जल्दी से। भाई गोल भाई जल्दी, आप जीत सकते हो। अरे मुझे नहीं मालूम भाई, जा रहा हूँ मैं। हाँ सांस लो। करना क्या है, एक एक करके सबको स्नोबोर्डिंग करनी है, जो सबसे अच्छी स्नोबोर्डिंग करेगा वो विनर होगा और उसको मिलेंगे 10,000 रुपए। ऐसे बताया तूने, टास्क इतना इजी है, जैसे हमारा खानदानी काम हुई सब, हम पहली बार तो बर्फ में आए, हमें आते नहीं है सब। तो भाई वैसा भी तो मैं लगा रही हूँ ना, जैसे से थोड़ी मेहनत करो। तो गाइस सबसे पहले जा रहे हैं मयंक कौशिक, और मैं पक्का विनर बनूंगा क्योंकि मैंने ये सब चीजें GIP मॉल नोएडा में वहां पे करी हुई है, देख रहे हो। फिर अगर इसने करी हुई है तो जीत भी सकता है, और मैं सीखता बहुत जल्दी हूँ। भैया को मैंने करते देखा, इन भैया को दिखाओ, भैया इन्होंने करा, मैं सीख गया। 3, 2, 1, go! Wow, slow motion! Oh my! Oh my! तो गाइस ये गिर गया है और मेरा मार्क लगा दो, कहाँ तक आया हूँ? ये यहाँ तक पहुँचा है, ये इसका मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस आप जा रहे हैं गोलू भैया, आरुष, आरुष भैया जा रहे हैं। आरुष भैया मयंक का मार्क वो देख लो, आपको जीतने के लिए उससे आगे ही जाना है, पीछे नहीं रहना, ठीक है? डन, ठीक है, देखते हैं भैया जा पाएंगे या नहीं। आज भैया गिरे पीछे थे, बस खिसक के आ गए, गिर वो पहले ही गए थे। बाकी बात है सेम जगह जहाँ मयंक गिरा था। तो अब धीरज को और आयुष को इन दोनों से जीतने के लिए इससे आगे ही जाना पड़ेगा, पीछे नहीं जा सकते हैं। तो अब जा रहा है आयुष, चलो भाई। ये मन नहीं कर रहा। क्या हो गया? घर वाले इंतजार कर रहे हैं मेरे घर पे। ये तो बेचारा डर गया। अगर यहाँ से देखना भाई, देखना यहाँ से अगर सीधे जाऊँ तो टेंट में नहीं फिट जाऊंगा। अरे भाई कोशिश तो कर रहे, क्या पता जीत जाए।
जल्दी बोल है वो पड़ जाएगा। आयुष हो चुका है डिस्क्वालीफाई इस राउंड में। अब आ रही है धीरज की, क्या लगता है जीत पाएगा? देखते हैं, ट्राई तो कर रहा हूँ, पिछली बार ज्यादा ही हो गया था तो हार गया। देख रहे हो, पहले ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इस बार जवान नहीं चला रहा। चलो चलो 1 2 3 गो। चलो चलो झुक जाओ, झुक जाओ, झुक के चलेगा, झुक के चलता है, मुझे समझ आ गया। अरे 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 गया गया गया। धीरज होता है इस राउंड का विनर और वो जीता 10,000 रुपए। आने दो, आने दो, आने दो। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे टेम्परेचर भी नीचे गिरता जा रहा था और फिर हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और -15 डिग्री में हम गए अपने कैंप की तरफ। गाइस रात के बज रहे 2 और टेम्परेचर है -15 डिग्री। आसान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब तो आवाज ही निकल रही, जाग दाग जा। और भैया ने हमको ये वॉकी टॉकी दिया है कि रात को अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, स्नोफॉल होती है, कुछ भी होता है तो हम इसमें अपडेट देंगे। भाई कोई तो आए बचाने, क्योंकि -15 डिग्री स्नोफॉल भी हो सकती है, इतनी बर्फबारी पहले हो रखी हो। और रुक, हम कहाँ रहे? कैंप में। और गाइस इस कड़ाके की ठंड में हम सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी -15 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से इसमें रहना यही क्या बस्ता सा है पैक करने वाला, ऊपर से फाद रहा है। तो यार ये तो नेचर बोल रहा है, मत कर, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये कैंप खोलो, थोड़ी स्ट्रेस है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। गाइस बात ये से लो इसे खोल, इसे खोल दे, हवा ले दो भाई। ये इतना सफोकेटेड है ना सब कुछ, मैं हम लोग दिल्ली के बड़े बड़े कमरों में बड़े बड़े बेड पे ऐसे फैल के सुनवा दें। यहाँ पे पता है कि अभी अभी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपन के पास चॉइस नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कुछ करने की ठानी है तो करो फिर। अभी उसमें इतना सफोकेशन रहा, फिर इतनी गंदी स्मेल आ रही, मेरे पता मेरे। और ये रात मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे लंबी रात थी क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मॉर्निंग गाइस, अभी बजे सुबह के 8:30 और पूरी रात टेम्परेचर भैंस की आंख माइनस में रहा है, -15 -16 और अभी भी माइनस में ही है। बैंड बच चुकी है मेरी, मेरे पूरे हाथ पैर सब अकड़ गए हैं क्योंकि मूव ही नहीं हो रहे थे उसमें। और आज मैं पहली बार कैंपिंग करी और पहली बार मैं स्लीपिंग बैग में सोई हूँ, मुझे बहुत ठंड लगी, ऐसा लग रहा था मतलब कंबल भी नीचे सब कुछ था, गद्दा था उसके ऊपर, चद्दर कंबल सब था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी रात बर्फ की सिल्ली पे सो रही हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। रात अपनी घट गई है, 3-4 घंटे और बचे हैं, बस चैलेंज हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो गाइस चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया और चैलेंज इतना बढ़िया हुआ कि मैं सोच रहा हूँ इसे 48 घंटे का कर देना चाहिए। तो अरे सुनो यार, गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? चाबी कहाँ? चाबी कहाँ है? 48 घंटे का करेंगे। आयुष रोल कर गाइस, मैं भी जा रहा हूँ बंद करके, मैं फाड़ दूंगा सारे। गाइस यहीं पे चैलेंज कंप्लीट होता है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और यार इतनी मेहनत करते सब्सक्राइब करो यार, 1,00,000 लाइक तो बनता है। फिर अगली वीडियो बनाएंगे हम ग्लेशियर के अंदर। अरे भाई मैं ऐसा कुछ भी ग्लेशियर के अंदर और 1,00,000 लाइक ग्लेशियर के अंदर, मेरे को जिंदा रहना है।